ग्रेट द लेजेंड तीन तीन बार के वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली अब इस दुनिया में नहीं रहे। अमेरिका के एरिजोना स्टेट के फीनिक्स शहर में उन्होंने आखिरी सांसें ली। उनकी बादशाहत, उनकी बातें किस्सों कहानियों के रूप में अब हमारी, आपकी, हम सबकी यादों का हिस्सा है। बॉक्सिंग का सबसे बड़ा सिकंदर सांसों की जंग हार गया। बॉक्सिंग रिंग में अपने विरोधियों को उखाड़ फेंकने वाले इस वर्ल्ड चैंपियन की सांसें तीन दिन पहले उखड़नी शुरू हुई और आखिरकार वो उनके रूह को ले उड़ी। सिर्फ 74 साल की उम्र में इस महानतम चैंपियन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। शायद किसी और दुनिया को इनका शिद्दत से इंतजार था। इसी गुरुवार को उन्हें अमेरिका के फिनिक्स में एक नामी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वो पहले से ही पार्किंसन नाम की बीमारी से ग्रस्त थे। तीन बार के हेवीवेट चैंपियन मोहम्मद अली को ये बीमारी 1984 में लगी। जज्बा देखिए कि इसके 4 साल पहले तक वो हेवीवेट के वर्ल्ड चैंपियन थे। बॉक्सिंग रिंग में वो राज करते रहे, मगर बचपन से लेकर चैंपियन बनने तक की उनकी जिंदगी जुल्म से टक्कर लेने की दास्तां रही है। मोहम्मद अली के बचपन का नाम कॉसियस क्ले था। वो जन्म से क्रिश्चियन थे। बॉक्सिंग रिंग में आना एक बड़ा इत्तेफाक था। हुआ यूं कि बचपन में उनकी साइकिल चोरी हो गई। कदकाठी से हट्टे कट्ठे उस 12 साल के किशोर ने पुलिस अफसर से कहा कि वो चोर को पकड़ के रहेगा और खुद से उसे उसकी सजा देगा। पुलिस ऑफिसर उनका जानने वाला था। उसने कहा, पहले बॉक्सिंग करना शुरू करो, तभी बदला ले सकोगे। और जैसा कि खुद उस पुलिस ऑफिसर ने बाद में एक किताब में लिखा, क्ले नाम के इस नौजवान ने चोर को सजा देने की खातिर बॉक्सिंग को अपना जुनून बना लिया। शुरुआती दौर में ही उन्हें जिस किसी ने भी देखा वो दंग रह गया। वो रिंग में तितली की तरह उड़ते थे, मगर उड़ते उड़ते भी प्रहार ऐसा करते थे कि एक पंच पर ही विरोधी चारों खाने चित। बॉक्सिंग रिंग में उतरने के 5 साल के भीतर ही वो अमेरिका में मशहूर हो गए। एक के बाद एक मुक्केबाजों के जबड़े हिला हिला कर 17 साल की उम्र में ही उन्होंने गोल्डन ग्लव्स तक का खिताब अपने नाम कर लिया। और फिर बारी आई 1960 के रोम ओलंपिक्स की। उन्हें अमेरिका की बॉक्सिंग टीम में चुन लिया गया। मजे की बात है कि मोहम्मद अली ने रोम जाने से इनकार कर दिया। उन्हें हवाई जहाज में उड़ने से डर लगता था। आखिरकार एक सेकेंड हैंड पैराशूट का इंतजाम किया गया। वो पैराशूट पहनकर फ्लाइट में बैठे, मगर रोम जाते ही उन्होंने तहलका मचा दिया। उन्होंने लाइटवेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। अमेरिका लौटने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया, मगर कुछ दिन बाद ही जब एक रेस्तरां में उन्हें टेबल देने से मना कर दिया गया तो उन्होंने अपना ओलंपिक गोल्ड मेडल फेंक दिया। वो अमेरिकी समाज में नस्ल भेदी मानसिकता को कुचल देना चाहते थे। उस घटना के फौरन बाद ही उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने का मन बना लिया। कुछ साल बाद उन्होंने बाकायदा इस्लाम अपना लिया। यहां उनका नाम रखा गया मोहम्मद अली। मोहम्मद अली अपने पुराने नाम को गुलामी की पहचान कहते थे। कॉसियस क्ले से मोहम्मद अली बनने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी नाम के साथ वो 3 बार हेवीवेट चैंपियन बने। उन्हें न सिर्फ अपने विरोधियों को नेस्तनाबूद करने का मादा था, बल्कि अपने नाम को बुलंदियों तक पहुंचाने का हुनर भी था। उनके इस ऐलान को कौन भूल सकता है? सच है कि बॉक्सिंग ने उन्हें पहचान दी, मगर उतना ही सच ये भी है कि मोहम्मद अली ने खुद बॉक्सिंग को भी एक नई पहचान और परवाज दी। वो बॉक्सिंग के क्रांति वीर थे। बॉक्सर्स आएंगे चले जाएंगे, मगर द ग्रेटेस्ट एवर एक ही रहेगा, और वो कोई और नहीं मोहम्मद अली होंगे। धरती पर नहीं, मगर यादों में रचे बसे रहेंगे मोहम्मद अली। वो कहते थे इम्पॉसिबल इज नथिंग। उन्होंने इसे यथार्थ में भी उतारा। वो कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट। अपने खिताबों से उन्होंने इसे भी साबित किया। जिस दौर में अमेरिका रंग भेदी और नस्ल भेदी आग में दहक रहा था, उस दौर में अपने लिए वर्ल्ड चैंपियन बनने का जुनून भड़काना आसान काम नहीं था।
मगर सच ये है कि उन्होंने सब कुछ बेहद आसानी से किया। एक नजर उनके प्रोफेशनल बॉक्सिंग अचीवमेंट्स पर। बॉक्सिंग रिंग में दहशत का दूसरा नाम थे मोहम्मद अली। बिजली की तरह चमकते थे, शेर की तरह दहाड़ते थे, चीते की तरह चपल थे और लोमड़ी की तरह चतुर भी। कई बार तो अपने विरोधियों को अपने तानों से ही आधा घायल कर देते थे मोहम्मद अली। आत्मविश्वास ऐसा कि चट्टान भले ही चटक जाए मगर उनका इरादा नहीं डोलता था। उन्होंने खुद को इतना साध लिया था और विरोधियों को इतना जान लिया था कि पहले से ऐलान कर देते थे कि कौन बॉक्सर उनसे किस राउंड में पिटकर बाहर हो जाएगा। 61 में से 56 फाइट में फतह उनके इसी फौलादी हौसले और बेजोड़ ताकत की निशानी है। ओलंपिक मेडल जीतने के फौरन बाद ही उन्होंने पेशेवर बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रख दिया। शोहरत के साथ दौलत भी कमाने की चाह ने उन्हें इस दुनिया में कदम रखने का जोश दिया। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में उनका पहला मुकाबला वेस्ट वर्जीनिया के टुने हंसाकर से हुआ। उस दौर में हंसाकर का बड़ा नाम था। मुकाबला जोरदार रहा, 6 राउंड तक चला, मगर जीत मोहम्मद अली की ही हुई। हारे हुए हंसाकर ने तब कहा था कि वो बिजली की तरह तेज था, मैंने सारी तरकीबें आजमाई मगर कुछ भी काम नहीं आया। यहां से जो सिलसिला शुरू हुआ वो अबाद बढ़ता रहा। एक तरफ लगातार जीत मिलती जा रही थी तो दूसरी तरफ बढ़ चढ़कर बोलने की उनकी आदत भी शोहरत में 4 चांद लगाती जा रही थी। मगर पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बजने में थोड़ा वक्त अभी और लगना था। 1964 में उन्होंने तब के वर्ल्ड चैंपियन सोनी लिस्टन को खुली चुनौती दी। लोगों ने कहा छोटा मुंह बड़ी बात। प्रेस मीडिया ने मोहम्मद अली को घास नहीं डाली। जंग होनी थी और जीत की घोषणाएं मोहम्मद अली के खिलाफ थी। रिंग में उतरने से पहले ही सबने उन्हें हारा हुआ मान लिया था। अली को पता था कि वो क्या करने जा रहे हैं। सोनी लिस्टन को वो अगली ओल्ड बियर यानी कुरूप भालू कहते थे। रिंग में अली ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा और खुलकर अपने से ऐलान कर दिया, मैंने दुनिया हिला दी। '67 में अर्नी टेरेल ने मोहम्मद अली के वर्ल्ड चैंपियन बने रहने को चुनौती दी। उनकी चुनौती को भी मोहम्मद अली ने चकनाचूर कर दिया। हाँ, ये मुकाबला 15 राउंड तक जरूर चला, मगर इसके बाद इस चैंपियन की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि वजूद पर ही बनाई। दरअसल अली ने धर्म का हवाला देकर यूएस आर्मी ज्वाइन करने का ऑफर ठुकरा दिया। फिर क्या था, उन पर बैन लगा दिया गया, 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि $10,000 की पेनल्टी भरकर वो जेल जाने से बच गए, मगर बैन लगे होने की वजह से वो बॉक्सिंग रिंग से दूर ही रहे। 1970 में वियतनाम